Praise the Lord. Parmeshwar ki stuti ho. Once again, I thank the Lord for this time that is given in my life to come before you all. और एक बार से फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि मैं आप सबके सामने आ सका. To come before you all with this program, learn Hebrew. और आप सबके सामने इस कार्यक्रम learn Hebrew के साथ मैं आप सबके सामने हूँ. I thank the Almighty God for enabling us to do this program from several weeks of every Sunday. और मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारी सहायता की इस कार्यक्रम को कई हफ्तों से जैसे हम कर रहे हैं. And also I thank for all the viewers for holding us in your valuable prayers. और मैं सबका धन्यवाद देखता हूँ जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमें अपनी प्रार्थना में याद करते हैं. And this thing that you know we could do it is just because of your interest and your response and your zeal of learning the language. और ये कार्यक्रम हम इसीलिए चला रहे हैं ताकि हम आपकी प्रार्थना और आपके सहयोग को अपने जीवन में देख सके. It is just because of your love and your desire of learning the biblical language Hebrew. और आपके प्रेम के लिए और आपका इस भाषा को सीखने में जो दिलचस्पी है. And thank you for all of your suggestions and feedbacks and your lovely calls that you are calling me while the program and even the after the program. और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आपके उन सुझावों के लिए, उन फीडबैक के लिए और उन प्यारे कॉल के लिए जो आप हमें कार्यक्रम को देखने के बाद में करते हैं. इट इज यू नो इन द ड्यूरिंग द प्रोग्राम और इवन आफ्टर द प्रोग्राम. और कार्यक्रम के समय और कार्यक्रम के बाद में मैं जो आपके फोन को पाता हूँ. यू नो आई रिसीव द कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और मैं लगभग पूरे भारत से आपके कॉल को पाता हूँ. रियली यू नो आई प्रेज गॉड दैट इवन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ सम ऑफ द इंडिया द पीपल आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भारत से कई राज्यों में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. एंड ऑल्सो गिविंग अस योर सजेशंस. और आप अपने सुझावों को भेज रहे हैं. वेल इन द लास्ट एपिसोड और पिछले जो कार्यक्रम में हमने देखा वी वर लर्निंग अबाउट द जेंडर. और हमने वहाँ पे लिंग वचनों को सीखा था. इन द जेंडर आई वॉज टेलिंग दैट इन द हिब्रू लैंग्वेज. और लिंग बदलों में मैंने आपको बताया था कि इब्रानी भाषा में वी हैव टू काइंड्स ऑफ जेंडर्स. और हमारे पास दो किस्मों की लिंग बदलो है. इट इज अ मैस्कुलिन और वो है पुलिंग. एंड द सेकेंड वन इज द फेमिनाइन और वो है स्त्रीलिंग. As I said in the last week, और जैसे मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, that said that you know in the Hebrew language noun can be a masculine or feminine. और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो noun है वो पुलिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है. And I said that you know when we are learning about the masculine, और मैंने आपको बताया था कि जब हम पुलिंग के विषय में सीखते हैं, the singular will be as it is. और जो कि जो एक वचन है वो उसी प्रकार से होगा. बट वेन वी आर यूजिंग ऑफ द प्लूरल और जब हम बहुवचन की बात करते हैं और वेन वी आर चेंजिंग द सिंगुलर वर्ड इनटू द प्लूरल और जब हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं. एंड आई सेड दैट यू नो वी आर यूजिंग द वर्ड ईम. और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम ईम को लगाते हैं. इट इज द वर्ड दैट यू नो ईम वी वर लर्निंग अबाउट दैट. और ये जो शब्द ईम है उसके विषय में हमने देखा था. सो नाउ आई रिसीव्ड अ कॉल एंड समबडी आस्क्ड दैट यू नो व्हाट अबाउट इट मींस दैट यू नो डू वी हैव थ्री गॉड्स. और मैंने कई कॉल को पाया जो जिन्होंने मेरे से पूछा था कि ये ईम शब्द का क्या अर्थ है. व्हाई बिकॉज़ यू नो व्हेन वी लर्न अबाउट द वर्ड और जब हम शब्दों को सीखते हैं इट इज Elohim और ये जो शब्द है Elohim. So Elohim is God और उसका अर्थ है God परमेश्वर. Now you know according to the rule when we are learning of this thing और जैसे हम नियम को देखते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म है. So is it God's और क्या इसका अर्थ हुआ ज्यादा परमेश्वर. No नहीं. So this is the rule that you know we need to keep in mind but only when we are using the word for God. और जब हम परमेश्वर को लिखते हैं तो ये जो नियम है हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. This is the call that I have received in the last episode. और मैंने ये कई कॉल को जो पिछले सप्ताह पाया था. That about the using of this because you know asked about the using of this im when it comes to in the plural you said that it will be a plural like king or kings. और जैसे मैंने पिछले सप्ताह कई कॉल्स को पाया कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि जब हम Elohim को लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यादा परमेश्वर. बट यू नो इट्स कमिंग टू द पॉइंट ऑफ गॉड और ये परमेश्वर की बात हम कर रहे हैं. सो नो थैंक्स फॉर यू नो योर इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट दिस.
और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस भाषा को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. Well, in, when we are learning about the feminine, और जब हम स्त्रीलिंग की बात करते there, हैं, you know, I said that, you know, in the singular, और मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि एक वचन में there, you know, we will be using the comics, hey. और वहाँ पे हम कामिक से को लगाते हैं इन द सिंगुलर और जो एक वचन में एंड व्हेन वी कम इनटू द प्लूरल और जब हम बहुवचन की बात करते हैं देयर नो आई सेड दैट वी विल बी एडिंग द वर्ड ओट और वहाँ पे जो हम ओट शब्द को लगाते हैं इट विल बी ऑफ प्लूरल और वो वहाँ पे जो बहुवचन को बनाता है. ओके वेल सो टुडे जस्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द डबल और आज हम जो ड्वेल के बारे में देखेंगे इट्स ड्वेल लाइक एज आई वाज टेलिंग दैट इन द हिब्रू लैंग्वेज वी डोंट हैव न्यूटर जेंडर और मैंने आपको बताया था कि इब्रानी भाषा में हमारे पास जो न्यूटर लिंग बदलो नहीं है वी डोंट हैव द न्यूटर जेंडर बट इंस्टेड ऑफ दैट यू नो वी हैव द ड्वेल और उसकी जगह पे हमारे पास ड्वेल है. ड्वेल मीन्स और जिसका अर्थ है एज इन द लास्ट एपिसोड आई सेड और जैसे पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था आई सेड इट इज टॉकिंग अबाउट द पेयर और वो वहाँ पे जो दो जोड़ा का एक के विषय में बात करता है. It is of two things as referring as one. और वहाँ पे दो चीजें पर एक के लिए जैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं. I am telling you that you have to keep this one very careful and very serious in your mind. और आपको ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में याद रखनी होगी. It's like और ये इस तरह the dual ending और जो dual का जो अंत होता है it will be in this manner और वो इस प्रकार से होता है. This is the form. और ये है उसका आकार. Now I think that you might recall what I said. और मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि आपको याद आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. And I said that you have to keep it very serious in your mind. और मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा. Why? और क्यों? Because क्योंकि when we are using the masculine और जब हम पुलिंग की बात करते हैं plural और बहुवचन आई सेड दैट और मैंने आपसे कहा था हिरेक हिरेक योद एंड मैम और हिरेक योद और मैम इट इज इट विल बी इन दिस फॉर्म और वो इस आकार में होगा. इट विल बी इन दिस फॉर्म और ये जो इस तरह होगा बट वेयर इज ड्वेल और जब हम ड्वेल की बात करते हैं योद योद अंडर द योद देयर विल बी द हिरेक योद के नीचे एक छोटी बिंदु है. There will be the hirek. और वो है हिरेक. And then. और उसके बाद में. Final form of mem. और mem की जो final form है. Hello. Hello. Are you able to distinguish? और क्या आप इनमें भिन्नता देख सकते हैं? Are you able to get it's a clear picture? और क्या आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं? I'm asking you only. और मैं आपसे बात कर रहा हूँ. I'm telling you that. और मैं आपसे बताता हूँ. When we are using about the masculine plural. और जब हम पुल्लिंग बहुवचन की बात करते हैं. So it will be like हिरेक योद एंड मैम. और वहाँ पे जो हम देखते हैं हिरेक योद और मैम. But here. और लेकिन यहाँ पर. योद. योद. Under that hirek और उसके नीचे hirek and then final form of mem और फिर उसके बाद में mem की जो final form है. Let me write the example और मैं आपके लिए एक उदाहरण लिखता हूँ. It is water or waters. और ये पानी फिर या फिर ज्यादा पानी. So, what is the Hebrew word for water or waters? और इब्रानी भाषा में पानी के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है? It is. और वो है. Are you able to? और क्या आप पढ़ सकते हैं? It is. What is this? और ये क्या है? This is mem. और वो है mem. 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 M. M. And what is this? और ये क्या है? It is pata. और वो है पाटा. 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 A. A. And what is this? और ये क्या है? This is yod. और वो है yod. Not resh. और resh नहीं. Resh means? और resh का अर्थ है? It will be a big. और वो वहाँ पे बड़ा होगा. So it is a very small. और ये बहुत ही छोटा है. That is the yod. और ये है yod. It is y. और वो है y. And what is this? और ये क्या है? This is. और ये है? Hirek. 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 I. I. And then और फिर final form of mem और mem की जो final form it is m और वो है m maim 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 we can call it as water और उसे हम पानी कह सकते हैं or we can call it as the waters और ज्यादा पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं water पानी waters ज्यादा पानी. See, you know, we are not using
as it is in the plural form, and we are not putting this dot over here and telling that it is waters, means it's coming in this sense. और मैं वहाँ पे इस तरह पुलिंग में जैसे बहुवचन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा. But this is the set of the rule that we have to keep in mind. और ये जो एक नियम है जो हमें अपने ध्यान में रखना होगा. Let me write in one more. और मैं आपके लिए एक और उदाहरण देता हूँ. So, heaven और आकाश और heavens और बहुत आकाश. It means और जिसका अर्थ है. See, what is the Hebrew word for heaven? और यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में आकाश के लिए कौन सा अक्षर है. It is और वो है शामाइम. 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 How it is? और ये कैसे है. This is sheen और वो है sheen. Sheen is sh और sheen का अर्थ है sh. And what is this? और ये क्या है. This is camex और वो है camex. A and then और फिर as usual और जैसे आपने देखा. mem mem. pata pata. yod yod. hirek hirek. final form of mem और mem की जो final form. so shamaim और जो है shamaim. shamaim और shamaim. heaven आकाश और heavens और बहुत आकाश. so that's the reason, you know, when you see in the bible और यही कारण है कि जब आप bible में देखते हैं. The Bible describes to us और बाइबल हमें वहाँ पे बताती है that there are three heavens और वहाँ पे जो हम तीन आकाश को देखते हैं. that's in the New Testament Apostle Paul writes और जैसे हम देखते हैं कि नए नियम में पौलुस लिखता है that there are three heavens और वहाँ पे तीन आकाश हैं. the one heaven is और एक जो आकाश है. it is the firmament और वो है जो firmament. and the second one और जो दूसरा है. it is the galaxy और वो है गैलेक्सी. and third और जो तीसरा है. it is a place where God stays और वो जगह जहाँ पे परमेश्वर रहता है. so the first heaven और जो पहला आकाश. it is the firmament और वो है firmament. and second heaven और जो दूसरा आकाश. it is the solar system or galaxy और वो है जो आकाश मंडल. और sun, moon, stars and so on और वहाँ पे हम देखते हैं जो चांद सितारे सूरज आदि. and also और उसके अलावा the third heaven और जो तीसरा आकाश. it is the abode of God और वो है परमेश्वर के रहने का स्थान. it is the dwelling place of God और वो है परमेश्वर के रहने की जगह. that's the reason, you know, when we read in Genesis chapter और वही कारण है कि जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं. in Genesis chapter 1 verse 1 और अध्याय एक उसका पद एक में. if you see in the translations of different versions और यदि आप अलग अलग वर्षन में उसका अनुवाद देखें तो. there, you know, we see some of the Bible mentioned that in the beginning God created the heaven and the earth और वहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की. or in some other versions और दूसरे किसी अनुवाद में हम देखते हैं. there we see that the beginning God created the heavens and the earth aur wahan pe hum dekhte hain ki parmeshwar ne aakasho aur prithvi ki rachna ki. so it is not the means to say that okay no why it is mentioned in that manner aur hum ye nahi keh sakte ki wahan pe kyu is tarah likha gaya. but you know only the thing that we have to keep in mind aur ye keval ek hi baat hai jo hame dhyan mein rakhni hai. the thing that you know we have to keep in mind is aur wo baat jo hame dhyan mein rakhni hai wo ye hai ki it is a dual word और वो है जो ड्वेल अक्षर. इट इज द ड्वेल वर्ड और वो है जो ड्वेल शब्द. इट इज द माइम और वो है माइम. वाटर पानी और वाटर्स और बहुत पानी. बट वी डोंट यूज द वर्ड वाटर्स और हम ज्यादातर पानी शब्द को इस्तेमाल नहीं करते. बट यू नो वी यूज द वर्ड वाटर और हम केवल पानी शब्द को लेते हैं. वी जस्ट से इट एज अ वाटर और जैसे हम बोलते हैं पानी. नोवेयर वी से इट्स अ मैटर ऑफ वाटर्स और हम ऐसा नहीं कहते कि बहुत ज्यादा पानी. और हेवन और जो हम देखते हैं आकाश. और हेवेंस और आकाश. इट इज द शमाइम और वो है शमाइम. और माय डियर व्यूअर्स और मेरे प्रिय देखने वाले. आई वुड लाइक टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट एपिसोड एंड इन दिस एपिसोड. और एक बार फिर मैं आपको जो पिछले सप्ताह और आज क्लास में देखा उसका सारांश बताना चाहता हूँ. इट इज दैट यू नो वी हैव लर्निंग अबाउट द जेंडर्स और हमने यहाँ पे लिंग बदलों को सीखा था. आई वॉज टेलिंग दैट इन द जेंडर और मैंने आपको बताया था कि लिंग बदलों में दैट व्हेन वी आर यूजिंग इन द मैस्कुलिन और जब हम पुरुषवाचक को यूज करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल
और वहाँ पे जो एक वचन और बहुवचन एंड आई वॉज टेलिंग यू दैट और मैंने आपको बताया था सिंगुलर इज एज यूजुअल और जो एक वचन है वो उसी प्रकार से होगा बट व्हेन वी आर कमिंग इनटू द प्लूरल और जब हम वो वचन की बात करते हैं सो इट इज अ मैटर ऑफ ईम और वहाँ पे जो हम ईम को लगाते हैं एंड दिस इज द एडिंग दैट वी डू एट द एंड ऑफ ए वर्ड और जब हम शब्द का अंत करते हैं वहाँ पे हम इसको लगाते हैं एंड मेक्स द सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन और हम जो एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं द सिंगुलर नाउन टर्न्स टू ए प्लूरल नाउन और वहाँ पे हम जो देखते हैं एक वचन बहुवचन में बदल जाता है एंड देन द सेकंड वी वर लर्निंग अबाउट द फेमिनाइन और वहाँ जो दूसरा हमने सीखा था वो था स्त्रीलिंग द फेमिनाइन सिंगुलर इज और स्त्रीलिंग में इन द सिंगुलर और एक वचन में इट इज एंडिंग विल बी विद कामिक्स हे और वहाँ पे जो अंत होता है शब्द का वो कामिक्स हे से होता है एंड देन द प्लूरल इज और जो बहुवचन होता है द प्लूरल इज ओट और जो बहुवचन में हम ओट को लगाते हैं बट यू नो व्हेन वी कमिंग टू द ड्यूअल लेकिन जब हम ड्यूअल पे आते हैं सो इन द ड्यूअल और ड्यूअल में हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल और जो एक वचन या बहुवचन सो इट विल बी इन दिस फॉर्म और वो इस आकार में होगा ओके सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूज व्हेन वी आर यूजिंग इट इन द मैस्कुलिन प्लूरल और आपको वहाँ पे कोई भी उलझन नहीं होना चाहिए जब हम पुलिंग की वर्तो करते हैं इन द प्लूरल फॉर्म और जब हम वहाँ पे बहुवचन के लिए पुलिंग को देखते हैं एंड व्हेन वी कम इनटू द ड्यूअल और जब हम ड्यूअल पे आते हैं सो यू नो देयर इट इज कमिंग टू द पॉइंट टू से दैट अंडर द योद देयर इज ए हिरेक और वहाँ पे हम देखते हैं कि योद के जो नीचे हिरेक है सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू बी नोटिस्ड और टू रिकॉग्नाइज और ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान से देखें इट इज टू रिकॉग्नाइज वेरी केयरफुली और आपको इसको बहुत ही पहचानने की जरूरत है वेल सो इन दिस टू एपिसोड्स और इन दो जो कार्यक्रमों में दैट इज व्हाट यू नो वी हैव लर्न्ड और यही हमने सीखा था दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट टू रिकॉग्नाइज द मैस्कुलिन जेंडर एंड द फेमिनाइन जेंडर और हमने वहाँ पे सीखा था कि कैसे पुलिंग और स्त्रीलिंग जो वचन बदलो है एंड हाउ वी नीड टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द ड्यूअल और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं और कैसे हम ड्यूअल की पहचान कर सकते हैं बिकॉज इन द कमिंग एपिसोड्स और क्योंकि जो आने वाले कार्यक्रम में इफ द लॉर्ड विल्स और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई यू नो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेंटेंस एंड टू फाइंड आउट The you know parsing the sentence और वहाँ पे मैं आपको कुछ वाक्यों को बनाना बताऊंगा और कैसे उनकी पहचान है वो सिखाऊंगा Because you know it's a whole the language of Old Testament have been written in the Hebrew और क्योंकि जो हम देखते हैं कि बाइबल का पुराना नियम का ज्यादा भाग जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है That's the reason it is very important to recognize or to identify even a dot और इवन ए मार्क और पॉइंटिंग और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप उन जो बिंदुओं को चिन्हों को बहुत ही ध्यान से देखें सो अगेन आई अर्ज ऑल द व्यूअर्स और एक बार फिर से मैं आप सबको निवेदन करता हूँ यू नो यू कैन टॉक टू मी पर्सनली एंड यू कैन गिव योर सजेशंस फीडबैक्स टू मी और आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं और आप अपने सुझावों को मुझे दे सकते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी टू द नंबर व्हाट यू नो व्हिच इज स्क्रोलिंग इन द स्क्रीन और आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसके द्वारा मेरे से बातचीत कर सकते हैं यू कैन कॉल टू मी एंड टॉक टू मी एंड कैन गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक्स और आप अपनी मेरे से बातचीत कर सकते हैं अपने सुझावों को दे सकते हैं और अपना फीडबैक मुझे भेज सकते हैं अंटिल दैट और तब तक यू कीप ऑन प्रैक्टिस अबाउट व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द मैस्कुलिन नाउन एंड द फेमिनिन नाउन और जो भी हमने जो पुलिंग और स्त्रीलिंग के विषय में सीखा है आप उसका अभ्यास करते रहें एंड इवन व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द जेंडर्स और जो भी हमने जो वचन बदलों के विषय में सीखा है इवन व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द यूसेज इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल और जो भी हमने एक वचन और बहुवचन के विषय में सीखा है सो यू नो आइडेंटिफाइंग अबाउट द मैस्कुलिन प्लूरल And identifying of the dual is a very, very important thing. और इसलिए जो पुलिंग के बहुवचन को पहचानना और उसकी जान करना बहुत ही जरूरी है So that's the reason, you know, keep on practice. और इसीलिए आप लगातार इसका अभ्यास करते रहें. And even I encourage you to get your own personal copies if you have any Christian literature books in and around your residences. और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी जो मसीही किताब है तो आप उसको ले लीजिए You know, you go to the Christian bookstores. और आप Christian जो bookstore पे जा सकते हैं. And there, you know, you can ask about the notes
in Hebrew language. और वहाँ पे जो आप इब्रानी भाषा की किताब के लिए पूछ सकते हैं. Because you know I receive many calls from many people and they ask me, can you send these notes to us? और कई लोगों ने मेरे से फोन करके ये पूछा है कि क्या आप ये नोट्स हमें भेज सकते हैं? No, we can do that, but still you know I encourage you. You go to the Christian Literature Center and try to get the notes. और मैं आपको ये उत्साहित करता हूँ कि आप किसी भी जो क्रिश्चियन बुक स्टॉल में जाके इस किताब को पा सकते हैं. एंड यू गेट दोस नोट्स एंड यू कीप ऑन प्रैक्टिस. और आप उन बुक्स को लेके और उनका लगातार अभ्यास करते रहें. इफ यू वांट टू बी ए परफेक्ट इन लर्निंग द हिब्रू लैंग्वेज. और यदि आप इब्रानी भाषा में पूरी तरह संपूर्ण होना चाहते हैं. सो डोंट क्वंच द फायर विच इज देयर इन यू. और जो आग आपके अंदर जल रही है उसे बुझने मत दीजिए. नो डोंट पुट ए डिसअपॉइंट अपॉन दैट. नो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड. इट्स ओनली ए few thing that I am getting. और निराश मत होइए कि मैं इसे सीख नहीं सकता और मैंने अब तक कुछ ही अक्षरों को सीखा है. But you know, I just encourage you all. It is the opportunity which God has given to each one of you to learn this language. और मैं आप सबको ये उत्साहित करता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है, ये एक सौभाग्य जो परमेश्वर ने आप सबको दिया है. So I encourage you all to continuously be in touch with us and keep us in your valuable prayers. और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लगातार हमसे बने रहें और अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें. Because your prayers are making us to go forward. और क्योंकि आपकी प्रार्थना ही हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है. Your suggestions are giving us more zeal in to come with this program. और जो आपके सुझाव हमें और ज्यादा उत्साहित करते हैं कि हम इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े. May the Lord be with you all. और परमेश्वर आप सबके साथ हो. May the Lord help you, each one of you. और परमेश्वर आप सबकी सहायता करे. In your life. और आपके जीवन में. By learning of this language. और ताकि आप इस जो भाषा को सीख पाए. That you may able to understand the scripture very clearly and understand what does it means. और ताकि आप जो वचन को अच्छे ढंग से समझ सके और समझ सके कि वो सब क्या है. Until that. और तब तक. May the Lord be with you all. और परमेश्वर आप सबके साथ हो. Shalom. परमेश्वर की शांति आपको मिले. खुशहाली हो जन जन प्रेम सवाली हो जगह जगह खुशहाली हो जन जन प्रेम सवाली हो न रहेगा दुख कोई खुशियों की होगी धारा गाँव हो या शहर धर्म की टकर पे हम चलते जाएं कोई भी हो सभा हम ये हर जगह शुभ संदेश ले जाएं चार सू बेआरजू बेजुस्तुजू लोगों की ये कतारें नगमा यही गाएंगे हम लाएंगे हम आशाओं की बहारें कब तलक बहेंगे आंसू कब पाओगे दुखों पे काबू कर सकेगा कोई जादू तो बस एक है वो है ये शुभ संदेश गाँव हो या शहर धर्म की डगर पे हम चलते जाएं कोई भी हो सभा हम ये हर जगह शुभ संदेश ले जाएं
चाहे तेरी फूलों से उसको सजाने चले आओ। सोई है जो आंखें तेरी नींदों से उसको जगाने चले आओ। भेदभाव छोड़ो प्यारे, मुख ना किसी से मोड़ो प्यारे, दिल से दिल को जोड़ो प्यारे, सच्चाई का यही है रास्ता। गाँव हो या शहर, धर्म की डगर पे हम चलते जाएं, कोई भी हो सभा हम ये हर जगह शुभ संदेश ले जाएं। यहाँ जगह जगह खुशहाली हो, जन जन प्रेम सवाली हो, जगह जगह खुशहाली हो, जन जन प्रेम सवाली हो, न रहेगा दुख कोई, खुशियों की होगी धारा। गाँव हो या शहर, धर्म की डगर पे हम चलते जाएं, कोई भी हो सभा हम पे हर जगह शुभ संदेश ले जाएं। यहाँ जगह जगह खुशहाली हो, जन जन प्रेम सवाली हो, जगह जगह खुशहाली हो, जन जन प्रेम सवाली हो, ना रहेगा दुख कोई, खुशियों की होगी धारा।